वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में लेखिका श्रीमती कृष्णा सोपती द्वारा लिखित कहानी बचपन को डिस्कस किया जाएगा। MCQs को हम डिस्कस करेंगे, पर जब तक चैप्टर की ओवरऑल समरी आपको मालूम नहीं होगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जल्दी से सिर्फ एक दो मिनट में पहले कम्प्लीट चैप्टर की ओवरऑल समरी में आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम MCQs सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपका कम्प्लीट चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा और साथ साथ आप चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, फिर लर्न करोगे और साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करोगे। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी में लेखिका श्रीमती कृष्णा सोपती जी अपने बचपन के दिनों को कुछ इस तरह से याद करती हैं। लेखिका कहती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ अब वह खुद को सयाना महसूस कर रही हैं। उम्र के हिसाब से वह आपकी दादी, नानी, बुआ, मामी कुछ भी हो सकती हैं, पर परिवार के लोग तो उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका का घर शिमला मॉल रोड के पास होता है और बचपन में वह रिच के पास घुड़सवारी किया करती थी। उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था और साथ में उन्हें कुछ फल खाना बहुत पसंद था, जैसे वह काफल, रसभरी और कशमल, जो कि वहाँ के रीजनल फ्रूट्स थे और बचपन में उन्हें बहुत पसंद थे। और सप्ताह में उन्हें एक चॉकलेट खाने की भी छूट थी। कभी भी वो खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी, घर आकर खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह चॉकलेट खाती थी। और वह शिमला की शाम की कुछ यादों को इस तरह से व्यक्त करती है। वह कहती है कि शाम के समय रंग बिरंगे गुब्बारे, साथ में सामने जाकू की पहाड़ी, रिज का नजारा, मॉल की दुकानें, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ और स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान में कालका शिमला ट्रेन का मॉडल लगा हुआ था, जो उन्हें अब तक याद है। साथ में रिज पर चर्च से जो घंटी की आवाज सुनाई देती थी वह भी लेखिका को अब तक याद होती है। लेखिका को हिमाचली टोपी काफी पसंद थी, साथ में उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनना भी पसंद था। और लेखिका बचपन में फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे और साथ में कुर्ते पहना करती थी, जो कि अलग अलग कलर के हुआ करते थे। और फ्रॉक्स तो उन्हें इतनी पसंद थी कि कुछ फ्रॉक्स उन्हें अब तक याद है। पीले रंग की और हल्की नीले रंग की फ्रॉक्स उन्हें अब तक याद थी। साथ में उन्हें गुलाबी रंग की चुनटों वाली फ्रॉक भी अब तक याद होती है। लेखिका को टूनिक्स भी अच्छे लगते थे, साथ में ग्रे कलर की टूनिक भी उन्हें अब तक याद होती है, जिसके ऊपर वह सफेद रंग की कोटी पहना करती थी। लेखिका को मोजे पहनने बहुत पसंद थे, हर रविवार को अपने मोजे खुद धोया करती थी, साथ में हर रविवार को अपने शू पॉलिश किया करती थी। वह मोजे खुद धोती थी क्योंकि नौकर से वह मोजे नहीं धुलवा सकती थी। और हर शनिवार के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। और लेखिका कहती है कि उनके टाइम टीवी रेडियो नहीं हुआ करता था, उनके टाइम ग्रामोफोन हुआ करता था। और लेखिका देर रात तक टेबल लैंप के नीचे पढ़ाई करती थी, इससे उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। और अब वो डॉक्टर के पास जाती है, जो कि अंग्रेज डॉक्टर होती है। उन्हें कहती है कि आपका आंखों का चश्मा उतर सकता है, पर उसके लिए आपको अपनी आदत बदलनी होगी। पर लेखिका अपनी आदत नहीं बदल पाती है और इससे उनका आंखों का चश्मा कभी नहीं उतर पाता है। इस तरह से लेखिका अपने आप को जब आईने के सामने देखती है, पहले वो ना ना बोलती है, फिर हाँ हाँ बोलती है और अपने ऊपर उनको हंसी आ जाती है। पर अब लेखिका कहती है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ चश्मा भी अब उनकी शक्ल के साथ घुल मिल गया है, और अगर वो किसी दिन अब चश्मा नहीं पहनती तो उनका चेहरा खाली खाली लगता है। तो ये थी बचपन की कुछ यादें जो कि लेखिका ने व्यक्त की है। अब जल्दी से हम MCQs सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, बचपन पाठ किसकी रचना है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या कृष्णा सोपती? व्हाट डू यू थिंक? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन डी, कृष्णा सोपती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? वह विद्यालय जाती थी, वह पौधों की देखभाल करती थी, वह नृत्य करती थी या वह अपने मोजे व जूते पॉलिश करती थी? लेखिका इतवार के दिन पौधों की देखभाल करती थी। नहीं, ये क्वेश्चन गलत होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, वह अपने मोजे व जूते पॉलिश करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था? 18वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी या 22वीं सदी? व्हाट डू यू थिंक? 21वीं सदी? नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 20वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले गीत संगीत सुनने के क्या साधन थे? ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन या सीडी प्लेयर? रेडियो, टेलीविजन और सीडी प्लेयर उन दिनों नहीं होते थे, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ग्रामोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर शनिवार लेखिका को क्या पीना पड़ता था? नारियल तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या देसी घी? हर शनिवार लेखिका को पीना पड़ता था देसी घी। नहीं, ये गलत होगा। लेखिका को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। अगला प्रश्न, इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही हैं? स्कूल टाइम की, मंदिर की, अपने घर की या अपने बचपन की? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी, अपने घर की।
नहीं, ये गलत होगा। अपने बचपन की इस संस्मरण में लेखिका अपने बचपन की यादें ताजा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को सप्ताह में कितने दिन चॉकलेट खरीदने की छूट थी? सप्ताह में एक दिन, या सप्ताह में दो दिन, या सप्ताह में तीन दिन, या सप्ताह में चार दिन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सप्ताह में सिर्फ एक दिन लेखिका को चॉकलेट खरीदने की छूट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? शताब्दी एक्सप्रेस, कालका शिमला ट्रेन, दिल्ली पुणे ट्रेन, या मेट्रो ट्रेन? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी, कालका शिमला ट्रेन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी चीजें लेखिका बचपन में मजे लेकर खाती थी? चॉकलेट, काफल, कुल्फी, या उपर्युक्त सभी? लेखिका को बचपन में चॉकलेट, काफल, कुल्फी, ये सभी पसंद थे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, लेखिका बचपन में कैसी पोशाक पहना करती थी? रंग बिरंगी, सफेद, काली, या फिर लाल? लेखिका बचपन में सफेद पोशाक पहना करती थी, नहीं ये गलत होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रंग बिरंगी। अगला प्रश्न, चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया था? चश्मा आंखों से कभी नहीं उतरेगा, या चश्मा आंखों से उतर जाएगा, या चश्मे की जरूरत नहीं, या कोई भी नहीं? चश्मा आंखों से कभी नहीं उतरेगा, नहीं गलत होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, चश्मा आंखों से उतर जाएगा। अगला प्रश्न, टोपी के संबंध में लेखिका क्या सोचती थी? वह टोपी में रुचि नहीं रखती थी, या उन्हें टोपी पहनना पसंद था, या हिमाचली टोपी पहनना आसान था, या दोनों बी और सी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन यस, डी, दोनों बी और सी। अगला प्रश्न, लेखिका को चश्मा क्यों लगा? उन्हें चश्मा अच्छा लगता था, या रात को देर से सोने के कारण, या कंप्यूटर पर काम करने से, या रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ने के कारण? इसका आंसर आएगा ऑप्शन यस, डी, रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ने के कारण। अगला प्रश्न, चश्मा पहनने पर भाई ने लेखिका को चिढ़ाते हुए क्या कहा? बंदर, लंगूर, बिल्ली, या उल्लू? ए, बंदर, नहीं ये गलत होगा, उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या बोला था? लंगूर। अगला प्रश्न, परिवार के लोग लेखिका को क्या कहते थे? चाची, जीजी, भाभी, या फिर बहन? परिवार के लोग लेखिका को कहते थे जीजी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लेखिका ने कौन सी पोशाक नहीं पहनी है? जीन्स, फ्रॉक, टूनिक, या स्कर्ट? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी, टूनिक, नहीं, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए, जीन्स। अगला प्रश्न, एन के कारण लोग लेखिका को क्या पीने की सलाह देते थे? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, या दूध? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दूध, क्योंकि दूध आंखों के लिए अच्छा होता है। हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, लेखिका को शिमला रिज की याद क्यों आती है? उनकी रिज पर जाने की इच्छा थी, या उन्होंने बचपन में रिज की कहानियां सुनी थी, या लेखिका ने रिज पर बचपन में बहुत मजे किए हैं, या कोई भी नहीं? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस और ज्योग्राफी की एमसीक्यूज की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।